हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एम एस एक्सेस में जो टेबल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो यहाँ से एम एस एक्सेस मैंने जैसे यहाँ से ओपन कर लिया है, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस जो वन है यहाँ से मैं डेटाबेस का जो भी नाम आप डिसाइड करना चाहते हो वो नाम आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है एम्प्लॉय के नाम से मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे क्रिएट किया मैंने। तो आज हम टेबल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि यहाँ से आप जैसे आईडी ले सकते हो और यहाँ से भी आप जो भी डेटा टाइप है, जैसे कि यहाँ पे आईडी है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप जो टेक्स्ट टाइप है वो आप यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ पे जो भी देना है, जैसे कि ईएमपी आईडी है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है या ईएमपी जो नेम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक तो तरीका ये होता है जो आप नहीं देख चुके हो कई बार, जिसमें टैक्स नंबर करेंसी डेट एंड टाइम, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बना दिया था। तो आज मैं बता रहा हूँ डिजाइन व्यू से जो अपने जो टेबल है, जैसे कि ये टेबल का जो नाम है मैं यहाँ पे रख देता हूँ एम्प्लॉयज, जो टेबल है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डालेंगे, जो ईएमपी नेम जो कि मैंने पहले डाल दिया था, आईडी यहाँ पे आई रहा है, प्राइमरी की यहाँ पे शो हो रहा है। तो ईएमपी आईडी है वो तो अपने आप आई गया कि जैसे कि ऑटो नंबर यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ईएमपी नेम मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे जो टेबल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी जो भी टेबल प्रॉपर्टीज होती है, जो फील्ड प्रॉपर्टी होती है, वो सभी के साथ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे टेक्स्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे जो टेक्स्ट डेटा टाइप हमने यहाँ पे लिया है तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फील्ड साइज जो मैक्सिमम हो सकती है वो 255 हो सकती है। फॉर्मेट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो फॉर्मेट है वो आप वैल्यू का देना चाहते हो। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आधार नंबर मैंने ले लिया है। अब यहाँ से जो उसकी प्रॉपर्टीज है तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर टेक्स्ट टाइप का है तो इनपुट मास्क में जाके आप अलग अलग प्रॉपर्टीज को कैसे देख सकते हैं। जैसे इनपुट मास्क में गया और यहाँ पे जो हम देखेंगे कि टेबल को सेव करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैंने यहाँ से इसको टेबल को सेव कर दिया है। और यहाँ पे जैसे आधार नंबर का फॉर्मेट है और आप कुछ भी नया भी बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डिलीट करके जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आधार नंबर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे पहले से लिखा हुआ है, तो जो मैंने पहले बनाया था तो 000 और 000, क्योंकि आपको पता है कि आधार नंबर जो होता है वो आपका 12 डिजिट का होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्लेस होल्डर में कुछ नहीं करना, सैंपल डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे 12 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब आएगा नहीं इससे ज़्यादा, और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख चुके हो, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन आया कि हाउ डू यू वांट टू स्टोर द डेटा। तो यहाँ पे आप डैश के साथ दिखाना चाहते हैं या विदाउट डैश। अब क्या है कि जैसे आधार नंबर में आप डैश के साथ दिखाना चाहते हैं कि बीच में माइनस का जो चिन्ह है वो आपके लगा हुआ हो, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश कर सकते हैं। तो जब हम वैल्यू डालेंगे तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब ईएमपी नेम था तो उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया था। कैप्शन में का मतलब है कि आप यहाँ पे किस तरह प्रकार का कैप्शन देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉय नेम के बारे में मेरे को यहाँ पे देना है। और इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कहते हैं कि जैसे कि उसकी सैलरी है, तो सैलरी में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी में आप यहाँ पे जैसे वैलिडेशन रूल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सैलरी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। और यहाँ पे कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि सैलरी शुड बी लेस देन, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, लेस देन 5000, लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हो तो कम से कम यहाँ पे आपका 1000 होना ही चाहिए। तो मतलब मिनिमम सैलरी जो रहेगी वो 1000 रुपये तो पहले से दिखेगी और बाकी आप चाहें तो 5000 तक डाल सकते हैं। तो इनपुट मास्क यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि सैलरी का फॉर्मेट अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का आप देना चाहते हैं। जैसे पासवर्ड का है तो वो अब आगे हम देख लेंगे, इसको भी कैंसिल करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे सैलरी हमने ले ली है, डेट ऑफ बर्थ ले ली है, और
अगर एम्प्लॉई है तो उसका कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट ले लिया है। तो अब इनपुट जो हम इस वीडियो में हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान रहे हैं, तो आपने देखा कि मैं आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने देख ली है, फॉर्मेट आपने देख लिया है, कैप्शन आपने देख लिया है, वैलिडेशन रूल बता दिया, डेटा एंट्री की हम बात करेंगे तो आगे। तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार का आप देना चाहते हैं, जो फील्ड साइज है वो आप देख सकते हैं, फॉर्मेट आपने देख ही लिया है, तो जिस तरीके का फॉर्मेट है, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप इस तरह की चीजों को वो आप करके देख सकते हैं। तो अलग अलग डेटा टाइप में अलग अलग प्रकार का ओपन होता है, जैसे डेट एंड टाइम है, तो जैसे डेट एंड टाइम में आप किस तरह का डेट एंड टाइम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेव करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे आप अलग तरीके की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर दें, कि जैसे कि मान लो कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं आए तो 1/1/2020, ये आपको एक फॉर्मेट रख देना है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू आपकी वहाँ पे रहेगी। ये मैंने 2020 कर दिया, अभी 1 जनवरी 2020 आती है। तो वैलिडेशन टेक्स्ट आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो ये जरूरी है, IME मोड, स्मॉल टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन लुकअप, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसे उसका दे दिया कि ज्वाइनिंग डेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ज्वाइनिंग डेट, तो इस तरह से आपने अपनी टेबल वगैरह क्रिएट कर दी है। तो करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ये सब आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, तो जो भी देख सकते हो आप देख चुके हो। अब आगे हम बात करने के बाद, ये जैसे टेबल आपकी सेव है और आपने यहाँ पे सेव कर दिया है, तो टेबल हमारे पास आ गई है। तो एम्प्लॉय का जो नेम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया है यहाँ पे रायची। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो देखिए कि मैसेज जो आ रहा है वो आ रहा है सैलरी शुड बी लेस देन इक्वल टू 5000। अब आधार नंबर का जब हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टैब दबा रहा हूँ, और टैब दबाने के बाद जो भी आधार नंबर है, जैसे 9351 एनीथिंग, जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो, तो वो डिजिट में आ गया है। सैलरी के 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैसेज आना चाहिए था, जो हमने वैलिडेशन टेक्स्ट के रूप में डाला था कि सैलरी शुड बी लेस देन इक्वल टू 5000, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि सैलरी, अब 1000 रुपये जो मैंने डाले हैं 1000, ये आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी, और यहाँ पे मैं इसमें जो भी वैल्यू डालना चाहूँ वो ये डाल सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं है, सैलरी शुड बी लेस देन इक्वल टू 5000 हो गया। यहाँ से जैसे मैंने सैलरी डाल दी है, और आगे हम जब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से सैलरी वगैरह को एक्सेप्ट करते हुए हम इधर आगे डाल सकते हैं। सेकंड नंबर का रिकॉर्ड है वो अपने आप 2 ले लेगा, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे ज्योति, ये मैंने ज्योति फीड कर दिया है, आधार नंबर मैंने इसका फीड कर दिया है, और इस तरह से डालने के बाद जो भी इसका डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैंने इसका सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ पे फीड कर दिया है, तो इस तरह से आप जो रिकॉर्ड है वो आप डाल सकते हैं। करने के बाद इस तरह से 2-3 रिकॉर्ड हमको डालने पड़ेंगे, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है जैसे मोहित, उसका आधार नंबर मैंने फीड किया, और ये जो इसका डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे मैं सैलरी जो है वो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा भी आप सैलरी दे सकते हैं। इसका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस तरह से आप इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है, आधार नंबर मैंने यहाँ फीड करना है, सैलरी यहाँ पे आप चेंज कर दो, और इसके बाद मार्केटिंग के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है एडवर्टाइजमेंट, ये मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। तो इस तरह से रिकॉर्ड डालने के बाद इसको आप यहाँ से सेव कर दें, और अगर आप नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे जैसे इसका टोटल लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको आप हटा दें, और यहाँ पे जो रिकॉर्ड में अगर आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टोटल का कॉलम जो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको काउंट कर सकते हैं, कि जैसे टोटल 4 रिकॉर्ड हमने यहाँ पे फीड किए हैं, और साथ में अगर यहाँ पे आप टोटल लगवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप टोटल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल काउंटिंग होगी, कि 4 जो टोटल है वो आपको यहाँ पे देख चुके हैं, काउंट करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो काउंट का जो रिजल्ट है वहाँ पे हमेशा 4 रहेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे स्पेलिंग चेक की, तो स्पेलिंग चेक अगर आपने यहाँ पे जैसे सेल्स की मार्केटिंग स्पेलिंग अगर गलत लिखी है, तो स्पेलिंग चेक करके दिखाएगा कि सुरेश की जगह सुरेश, अब ये तो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की जगह एडवर्टाइजमेंट्स हो सकता है, तो आप यहाँ से इसको चेंज करें या फिर चेंज ऑल करें। तो इस तरह से आप इसको चेंज करते हुए चलेंगे, और यहाँ पे जो नाम है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया स्पेलिंग चेक करना। इसके अलावा जो आप ये जो टेबल का आपके जो बाकी के जो ऑप्शन जो प्रॉपर्टीज में नजर आता है, वो आता है आपका जैसे बोल्ड कर देना, इटैलिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, या मैं वापस हटा देता हूँ। जो फॉन्ट की जो डिजाइन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि अलग अलग तरीके के जो फॉन्ट है
वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलर में देना है तो कलर में दे दीजिए, नहीं तो ब्लैक कलर जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट कलर होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलाइनमेंट देना हो तो आप किसी भी कॉलम के बीच में आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अब इनमें से मान लो कि कुछ कॉलम्स जो है किसी वैल्यूज को आप अगर फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं कि केवल अगर सेल्स का रिकॉर्ड दिखाई दे तो सेल्स का दिखाई दे जाएगा। तो सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट ऑल में गए तो सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे, और केवल आपको एक डिपार्टमेंट का देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लैंक वैल्यू है, जैसे अगर आपको केवल ये वैल्यू देखनी है तो ये वैल्यू आप देख लीजिए, सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने हैं तो सारे रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कंडीशन भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि जो इक्वल टू 1000 है या जो डज नॉट इक्वल है, बिगिंस विद है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेटर देन है, लेस देन, वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि जो इक्वल टू 1000 है, केवल वो रिकॉर्ड आपके सामने शो होनी चाहिए, तो वो रिकॉर्ड आप केवल यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो 1000 वाले जो रिकॉर्ड थे वो आपके सामने यहाँ पे आ गए हैं। तो और सारे रिकॉर्ड देखने तो सेलेक्ट ऑल तो हम यहाँ पे कर ही दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट फिल्टर है, बिगिंस विद कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें ये वैल्यू है या नहीं है, डज नॉट कंटेन जिसमें ये वैल्यू नहीं है, जिसमें एंड्स होता है जीरो से एंड्स होने वाला, या डज नॉट एंड विद जो कि वैल्यू से एंड नहीं होता है। तो इस तरह की जो रिकॉर्ड है, जब आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे तो आप इन चीजों को देखते रहेंगे। तो यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो वैल्यू के आधार नंबर है वो आप देखना चाहते हैं, तो इसको टेक्स्ट फिल्टर होता है। इसी तरह से न्यूमेरिक फिल्टर भी आप कर सकते हो। इसके बाद में आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में ए टू जेड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो ब्लैंक रिकॉर्ड था और ये फिफ्थ नंबर का रिकॉर्ड भी मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो मैंने इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अगर आप इसको सैलरी बेसिस पे अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे कॉलम को रिकॉर्ड किया, तो ए टू जेड यहाँ पे हो रहा है और जेड टू ए, मतलब कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इन वैल्यूज को कर सकते हैं। ये जो 1000 जो आपको नजर आ रहा है, ये 1000 जो है आपकी वो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने पहले डिसाइड की थी इनपुट मास्क में, तो ये वहां पे वैलिडेशन में आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख चुके हो कि रो की जो हाइट है, जैसे कि मान लो कि देखिए स्टूडेंट्स, ये तो होती है आपकी रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और ये होते हैं आपके कॉलम। तो इनकी हाइट वगैरह भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कि रो हाइट, अब यहाँ पे 13.5 की जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो हाइट है इसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप कम भी करना चाहते हैं तो भी आप कम भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे रो हाइट को आप कम कर सकते हैं, लेकिन 13.5 से कम आपको नहीं करना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड हाइट है वो आप यहाँ पे ले लें। इसकी इस तरह से जो कॉलम की जो हाइट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो कॉलम की हाइट है, तो यहाँ से कैसे होगा कि आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इसकी हाइट है वो आप यहाँ से ड्रैग करके भी आप यहाँ पे इजीली इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से, जैसे यहाँ से भी आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो अगले ऑप्शन है आपका अनहाइड फील्ड, तो जैसे कि मान लो कि सैलरी डज नॉट इम्पोर्टेंट, देन वी हाइड सैलरी, तो सैलरी को अपने हाइड कर दिया है, और वापस से इसको अनहाइड भी कर सकते हैं कि कौन सा सैलरी वाला, तो वापस से उसको हाइड भी या अनहाइड भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो किसी कॉलम को हाइड करना, जैसे कि मान लो ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो अनहाइड कर दें या अनहाइड कर दें, जो मैंने भी आपको करके दिखा दिया। उसके बाद में आता है फ्रीज फील्ड। तो जो फ्रीज फील्ड है वो होता है कि जब आपकी जो टेबल है वो काफी बड़ी होती है, जैसे कि मान लो कि मुझे जो आईडी नंबर जो है या एम्प्लॉय का जो नेम है वो हमेशा रहना चाहिए, तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया है। तो जो पहला कॉलम जो होता है वो आपका फ्रीज होता है, और उसके बाद में अगर आप आगे भी बढ़ते हैं, जैसे कि मैं आगे कंटिन्यू, जैसे मान लो कि हमारे पास टेबल होती तो ये कंटिन्यू एक जगह, मतलब ये तो अपनी जगह पे होता ही होता अगर हमारे पास कॉलम ये ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये कॉलम ज्यादा भी होते तो ये वाला जो कॉलम था ये अपनी जगह पे फिक्स होता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम एक बार ट्राई ले लेते हैं, इसके लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ से कॉलम अगर बड़े बड़े साइज में होते तो कुछ ज्यादा साइज बड़ी हो गई है, तो एक कॉलम को फ्रीज कर देना और उसी कॉलम को वापस से अनफ्रीज कर देना। फील्ड की जो विड्थ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे जैसे 20 कर दिया है तो ये अपने आप ही जो गैप था, जो कॉलम थे, वो आपका अपने आप ही बड़े हो यहाँ से हो रहेंगे, देख रहे हो। बाकी आप यहाँ से इसको ड्रैग और ड्रॉप करके भी हो सकता है।
तो वैल्यू में आप कौन कौन सा देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी कॉलम है वो आप यहाँ पे देखेंगे। रिप्लेस करने का मतलब है आईडी नंबर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे आईडी नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट कॉलम है वो की जो कि प्राइमरी की हमने डिसाइड कर रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो हम आगे बात करें कि फ्रीज, तो किस कॉलम को आपको जो फ्रीज करना है, तो यहाँ से जब फ्रीज करेंगे तो ये पहला कॉलम चला जाएगा और पहला कॉलम जो होता है वो आपका प्राइमरी की होता है। फील्ड विड्थ आपने देख लिया है। फाइंड और रिप्लेस का मतलब होता है कि आप किसी वैल्यू को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि मेरे को केवल एचआर डिपार्टमेंट को फाइंड करना है, तो एचआर डिपार्टमेंट यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो रिची जो नाम मैंने लिखा था, तो एचआर को फाइंड कर लिया। और रिप्लेस भी अगर करना है तो जैसे कि फाइंड करना, जैसे मैंने लिखा है कि एचआर को फाइंड कीजिए और रिप्लेस कर दीजिए एचआर वाले को, आप दे दीजिए परचेज। तो परचेज डिपार्टमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं उसके लिए, तो वो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो। तो रिप्लेस करूंगा तो एक बार, और अगर एक से अधिक एम्प्लॉय अगर होंगे तो हमको वहां पे रिप्लेस ऑल कर देना चाहिए। करंट फील्ड में ही करना है, करंट डॉक्यूमेंट्स में करना है, तो रिप्लेस ऑल करो या रिप्लेस ऑल कर दीजिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फाइंड वाट एच आर एंड कर दीजिए वहां पे परचेज, फाइंड रिप्लेस। अच्छा, फाइंड द टेक्स्ट की जो फाइंड हम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वापस एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ से जो रिप्लेस वाला ऑप्शन है कि हम फाइंड करें कि जहां पर भी एच आर है और वहां पे परचेज डिपार्टमेंट कर दिया जाए। यहाँ से शायद मेज केस का प्रॉब्लम हो सकता है। सर्चिंग द रिकॉर्ड द आइटम वाज नॉट फाउंड, मतलब एच आर इसको नहीं मिला जबकि एच आर यहाँ पे है। तो जो भी कॉलम में आप फाइंड करना चाहते हो, तो अभी एक बार वापस से फाइंड अप कोड कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एच आर है वहां पे इसको परचेज किया जाए रिप्लेस। तो यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो ये इस तरह से आप चेंजेज कर सकते हो। आगे हम बात करें कि जो अलाइनमेंट है, जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, उसको आप लेफ्ट राइट सेंटर भी यहाँ से इजीली कर सकते हैं। टेबल का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे बना हुआ है पहले से, तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लें आप यहाँ से, और उसके बाद जैसा भी आप ऑर्डर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टेबल का हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे, तो आज हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमने यहाँ पे देख ली है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हमने जो टेबल का जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो हम जो ये टेबल हमने जो बनाई है, इसको हमने कंट्रोल एस के हमने सेव कर दिया, और टोटल हमने देख लिया है, सेव करना हमने देख लिया है। जो न्यू रिकॉर्ड अगर हमको डालना है, तो न्यू रिकॉर्ड यहाँ से अपने आप हम डाल पाएंगे। जैसे एक रिकॉर्ड में और डाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया है सुमन, और आधार नंबर मैंने यहाँ पे फीड कर दिया, और सैलरी जो भी है वो मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ, और डिपार्टमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे कि मैंने डाल दिया कि ये आपका एचआर डिपार्टमेंट है, और जो जॉइनिंग डेट है वो भी मैंने यहाँ से चेंज कर दी है। तो जो भी कर दोगे, अब अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जैसे कि मुझे ज्योति का रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे इस रिकॉर्ड को आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको करना चाहिए। देखो आईडी नंबर जो है वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार रिकॉर्ड्स लिए और कई बार मैंने उस रिकॉर्ड्स को हटा भी दिया, तो इसलिए ये चीजें जरूरी हैं। तो एडवांस ऑप्शन की इतना आपको जरूरत नहीं है। तो अगले वीडियो में हम इसके जो बाकी की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि जो जिसमें आपको फॉर्म वॉर्म बनाना और जो टेबल डिजाइन कैसी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो देखा है, तो आपका जो यूनिट वन है वर्किंग विद टेबल्स है, वो आपका खत्म हो गया है। तो यहाँ पे आज का जो टेबल थी वो आपकी खत्म हो गई है, और जो न्यू टेबल आपको यहाँ पे देख रहे हो, तो न्यू टेबल भी आप बना सकते हो जैसे यहाँ पे है। और इस टेबल में आपने जो एक्सटर्नल डेटा, आज के बारे में हम कल देखेंगे, तो इसमें हमने देखा कि डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर्मेट कैप्शन वगैरह हमने देख लिया, फिल्टर सिलेक्शन अरेंजमेंट कॉलम साइज फ्रीज कॉलम एडिट टेबल कॉपी डिलीट ये सब हमने यहाँ पे देख लिया है, और इम्पोर्ट मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए। तो ओके दोस्तों, ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू, थैंक यू।